पुरुष को सोचना चाहिए कि डीजे पे गाना बजता है, डीजे पे गाली नहीं दिया जाता है। और डीजे पे अगर कोई गाली देने का कोई काम करते हैं लोग, ऐसे तो कोई काम ही नहीं करते हैं। अगर कुछ लोग होते हैं जो कि लाउड स्पीकर पे या जो होता है शादी के दौरान जो गाली, जो सौभाग्य वाली जो गाली होती है, वो जो लोग देते हैं तो लाउड स्पीकर पे देते हैं वो लोग, और उसमें भी वो महिलाएं देती हैं शादी में गाली। और यदि कोई पुरुष गाली दे रहे हैं तो समझिए कि वो सही में छक्का है। तो यही सब बात है कि क्या कुछ गाना था, तो उस गाना का जवाब मेरे तरफ से ही है कि जहिया जहिया मन करी तोहके सनम, आ लाइव में आके भरदम गरी आएब हम। वो जो बिलार है उसको बोलते हैं हम बिलार, उसको सियार बिलार कह सकते हैं। वो व्यक्ति पैसे के बदौलत तीसरा चौथा पांचवा ट्रेंडिंग में आकर के बरियरी, और अपने आप को साबित करता है कि हम ये हैं वो हैं फलाना ढेकना। वो माथा पर रख के केक काटेगा तो कभी उस पर रख के केक काटेगा, कभी उस पर रख के केक काटेगा। समझ में आया कि नंबर वन ट्रेंडिंग आने पे भी आदमी आराम से मस्ती में चलते रहता है। तो वो जो बोतला है, उस बोतला को, ये तो आप सब समझ ही रहे होंगे कि हम किस बोतला का नाम ले रहे हैं। लव यू रोशन यदुवंशी जी, जय हो हर हर महादेव, सब लोग, विकास वर्मा जी, संतोष भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे जितने भी ऑडियंस देव हैं वो जिंदाबाद, जितने भी मेरे सब लोग भगवान रूपी श्रोता हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे गुरुजन, सब भोजपुरी कलाकार जिंदाबाद। ऊ एगो बोतला के छोड़ के, बोतला के छोड़ के ई चलते कि वो बोतला वो गाना गाता है कौची गरियाइब हम, तो तोरा हम गरियाइब, तू डीजे पर गरियाइब हम तोरा लाइव में गरियाइब ना। तो अभी से भी सुधार जो जरूरी बा, ते भोजपुरी के बर्बाद कर दिले हरे बोतला। ये भोजपुरी का जो अस्तर था उस अस्तर को इसने बर्बाद कर दिया। तो बस विशेष चीज, बस यही बातें कि, और कमरिया हिला रही है, कमरिया हिला रही है, मार्केट हिल रहा है, जय हो पवन भैया। और गर्दा उड़ रहा है अभी, कितना गर्व होता है कि हमारा भोजपुरी का एक गाना, भोजपुरी का एक सुपरस्टार, वो सुपरस्टार जिनको जिसने जिसने कॉपी किया उन सभी लड़कों को, उन सभी कलाकारों को, वो भोजपुरी का मोहम्मद रफ़ी ने सबको आशीर्वाद दिया और मदद किया, चाहे वो राकेश मिश्रा जी हों, चाहे वो कोई भी कलाकार हो, सबको उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन ये वो बोतला है, ये बोतला को जो जो लोग जाता है कॉपी करने के लिए, ये बोतला उसका पैर खींचने लगता है, काहे काहे कि इसका सिंहासन गिर जाएगा। तो ये बोतला को मालूम नहीं है कि इसका सिंहासन, तुम दूसरा का पैर खींच रहे हो लेकिन अब तुम्हारा सिंहासन कहाँ गया बोतल सेठ, अब जा रहे हो ना। इस बोतला में यदि पावर ही होता तो टिप्स म्यूजिक पे इसका व्यू क्यों नहीं आ रहा है, ये बोतला चरमरा गया है। वो भी तो जिससे कमरिया हिला रही है भी आया, वो भी तो नया ही कंपनी था ना। तो ये होता है शेर, शेर कहीं भी जाएगा ना तो दहाड़ते ही रहेगा,
और एक होता है सियार। तो सियार को शेर अगर प्रेजेंट करना हो तो उसका पहले से प्लानिंग करना पड़ता है, रंगाई पोताई, उसका चोला बदलाएगा, ये होगा वो होगा, सारा आवरण उसका चेंज करना पड़ता है। तो सियार को भी लगता है कि हम शेर हो गए। अरे बुड़बक आदमी, तुम सियार थे, सियार हो और सियार ही रहोगे। तुम शेर नहीं बन सकते और शेर बनने की कोशिश भी मत करो। शेर बनने के लिए हिजड़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, शेर पैदा लेता है, समझे? शेर जो होता है ना, वो माँ की कोख से ही पैदा लेता है। सियार कभी शेर नहीं बन सकता, शेर शेर होता है। तो बस जो भी बातें हैं, आप सारी चीज को आप समझ रहे होंगे, और कुछ कुछ चीजें वो बोल रहा था कि चलिए, ज्यादा क्या बोलना है, आप समझ ही रहे होंगे सारा चीज। वो जो छक्का जो है, उस छक्का छक्का बोतल सियार, छक्का बोतल सियार जिसने खराब किया भोजपुरी संसार, उस सियार को, उस छक्के को, उस बोतल को, उस थोथा को, बस यही चीज कि अभी से भी सुधर जाओ, अभी से भी सुधार कर लो, ये जरूरत है। ये समय तुमको बार बार दिया जा रहा है बाबू, किसी का गाना मत चुराओ। तुम्हारा एक गाना इधर उधर किया गया, इतनी फट के हाथ में आ गई तुम्हारी। तुम ये समझो कि जिस समय तुमने रितेश भाई का गाना चुराया, जिस समय तुमने ब्रजेश का गाना चुराया, जिस समय तुमने संतोष रेणु का गाना पे अपना वीडियो, अपना फोटो लगा करके और नाम लगा करके मार्केट में चलाया 2012 में, उस समय संतोष रेणु को क्या बुझाया होगा? तो सियार, थोथा, बोतल, छक्का, बात समझ जाओ। अब वो दिन चलने वाला नहीं है, अब डिजिटल मीडिया का दौर आ गया है, डिजिटल युग आ गया है। जो भी करोगे तुरंत भर में उसका सारा चीज निष्कर्ष निकल जाएगा, चाहे वो हम रहें या कोई रहे। जो कुछ लोग हैं वो करें, अरे टिप्स म्यूजिक पे, टिप्स म्यूजिक, टिप्स भोजपुरी पे, ये नाम बदल दिया तो व्यू नहीं भाग रहा है, वो बदल दिया तो व्यू नहीं भाग रहा है। शेर शेर होता है बॉस। कमरिया हिला रही है, भी आया ना, नई ही कंपनी थी, देख रहे हैं कैसे हिला रहा है मार्केट, पूरा न्यूज पे छाया हुआ है। गर्व होता है, गर्व होता है कि भोजपुरी से हम भी बिलोंग करते हैं, और वही भोजपुरी से हमारा मोहम्मद रफ़ी, भोजपुरी का मोहम्मद रफ़ी, सुश्री पवन सिंह जी भी बिलोंग करते हैं, उसी भोजपुरी से प्रमोद प्रेमी भी बिलोंग करते हैं, उसी भोजपुरी से गोलू राजा, गोलू गोल्ड, सब मेरा भाई लोग बिलोंग करता है। अब बड़ी बेशर्म की बात अगर मैं कहूं कि तू उसी भोजपुरी से छकबू बिलोंग करता है, बहुत दुख होता है ये छकवा को लेकर के। छकवा को लेकर बहुत दुख होता है,